थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा कंपनी के नाम से फर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार करके शेयर ट्रेडिंग करने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष एवं 1 महिला, गिरफ्तार किए गए। सर, एक कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है, क्या कुछ मामला है? थाना 63 पुलिस टीम के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी, कुछ लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था थाने पर कि रोबोटेक प्रो आईटी कंपनी है और इंट्रावाइजर, ये कंपनियां लोगों से धोखाधड़ी करती हैं सॉफ्टवेयर के नाम पर कि हम आईपी सॉफ्टवेयर आपको एल्गो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ये लोग 15,000 से 1,00,000 रुपए तक का सॉफ्टवेयर सेल करते थे। जब उन लोगों को उस सॉफ्टवेयर से लॉस होता था, फिर अपग्रेड कराने के नाम पर उन्हें कहते थे दूसरा सॉफ्टवेयर ले लो, नए वर्जन का आपको सॉफ्टवेयर दे रहे, लेकिन भाई पुराने वर्जन का ही सॉफ्टवेयर रहता था। इस संदर्भ में इनके द्वारा जब शिकायत की गई पुलिस के द्वारा, फिर इनका रजिस्ट्रेशन चेक कराया गया सीवी के माध्यम से, तो ज्ञात हुआ कि ये लोग पोर्टल पर, सीवी पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी नहीं है। इस संदर्भ में FIR दर्ज की गई, 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और अभी 6 अभियुक्त इसमें बातचीत है। अभी चूंकि विवेचना क्रम में अभी कई लोगों की जानकारी आई है, अभी तक तो हमारे पास ऑफिशियली 5-6 लोगों की शिकायतें आई हैं, लेकिन हम लोग और भी लोगों से संपर्क करें जिससे हमको और जानकारी। सर, कब से चला रहे थे, कितनी ट्रांजैक्शन अकाउंट में मिली है? लगभग 2 महीने से ये लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे, और भी इनसे जानकारी की जा रही है कि पहले कहाँ कर रहे थे, कहीं हो सकता नाम बदल के ना कर रहे हो, क्योंकि उसमें भी एड्रेस अलग अलग जगह का है। अभी ये कई चीज़ें विवेचना के क्रम में आएंगी। सर, कितने लाख रुपये तक ठीक कर चुके अभी तक जो जानकारी हुई है उसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपये तक की ठगी की जानकारी संज्ञान के। ठीक है।